हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन लेग फ्राइड पुलाव की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक पॉट। पॉट में मैंने डाला है 3 गिलास पानी और इसमें मैं डाल लूँगी 1/2 स्पून साबित धनिया, 1/2 स्पून मैं डालूँगी इसमें सौंफ और 2 तेज़पत्ते। और मैंने यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले ये हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद हम इसमें अपना ये जो हमारे पास चिकन लेग्स हैं ये हम डाल देंगे। और हमें चिकन लेग्स तब तक बॉईल करने हैं जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया है और यहाँ मैंने 1/2 स्पून डाला था इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो इसको मैंने डाल दिया है। अभी मैं फिर से इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ मैं ले लेती हूँ 2 स्पून के करीब दही। दही डालने के बाद हम इसमें ले लेंगे 1 लेमन जूस। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में है रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, फूड कलर और ये कश्मीरी लाल मिर्च। इसको मैं डाल लूँगी। 1 स्पून लिया है बेसन और 2 स्पून मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लावर। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इसी से हमें इसको चलाते रहना है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ हम देख लेते हैं हमारी लेग्स लगभग हो गई हैं, अच्छे से गल गई हैं। अब हमें इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इसे एक प्लेट में डाल के 10 या 15 मिनट्स के लिए हमें इनको ठंडा करना है। यहाँ हम अपने पुलाव बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है, यहाँ पॉट में ऑयल डाला है, इसमें मैं कुछ गरम मसाले डालूंगी और ये मैंने लिया है शाही ज़ीरा, इसको हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी किशमिश और काजू। आपके पास अगर ब्लैक वाली किशमिश हो तो वो ज़रूर डालें। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं नहीं डाल पाई, मैंने नॉर्मल वाली डाल दी थी। ब्लैक वाली किशमिश इसके साथ ज़्यादा जाती है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी किशमिश फूल ना जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी किशमिश फूल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये चावल। चावलों को थोड़ी देर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैं वही पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने चिकन लेग्स को बॉईल किया था। इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा इसमें सॉल्ट डाल दूँगी 1 स्पून। इसको थोड़ी देर मिक्स करके फिर हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से अपने ये चिकन लेग्स पे मसाला लगाना है। तो इस तरह से हमें अपनी चिकन लेग्स को कोट कर देना है उस मसाले से जो हमने बना के रखा था। तो मैं यहाँ सारे चिकन लेग्स को मसाला लगा के रख दूँगी, फिर बाद में मैं इनको फ्राई करूँगी। तब तक हम अपने पुलाव देखते हैं। तो पुलाव हमारे बनके एकदम रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर, ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। और मैंने थोड़ी सी दूध में ये केसर मिक्स करके रखा था, इसको भी मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। ये देखिए कितना ही खूबसूरत कलर आया है।
तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो यहाँ हम कर लेंगे अपनी चिकन लेग्स को फ्राई। तो यहाँ हमें अपने ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से हॉट करने के बाद ही चिकन लेग्स को डालना है, वरना तो हमारी ये चिकन लेग्स इसमें चिपक जाएगी नीचे। तो याद रखना कि ऑयल अच्छे से, बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ मैं लेग्स को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई हुई हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुई है, ये एकदम क्रिस्पी। तो मैं दूसरी वाली भी इसमें फ्राई कर लूँगी और दिखाती हूँ आपको डेकोरेट करके अपने पुलाव। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितने ही खूबसूरत हमारी प्लेट बनके रेडी हुई है। तो ये प्लेट मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। यहाँ मैं और थोड़े चावल डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चटनी। और देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से गल गया है एकदम अंदर तक। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये बाइट आप लोगों के लिए है। माशाल्लाह ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, यमी दिख रहा है एकदम। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।